नमस्ते, मैं आज आपको मैकरम का थाली पोश बना के दिखाऊंगी। जो थाली के ऊपर जो रुमाल होता है वो बना के दिखाऊंगी। ये बनाना बहुत सिंपल है यार, एक बार बनाओगे तो बहुत दिन तक ये चलेगा, क्योंकि ये मजबूत है। धागा मैकरम का बहुत ही मजबूत होता है, इसको कुछ भी नहीं होता। तो हमको एक कॉर्ड लेके इस तरह से रखना है और इसमें कॉर्ड फंसाते हुए जाना है। छोटे छोटे मैंने कॉर्ड लिए हैं, एक एक मीटर के 25 कॉर्ड लिए हैं। स्टार्टिंग में हमको 25 कॉर्ड इसमें ऐड करने हैं। इसके बाद जो साइड में जो दो कॉर्ड मैंने रखे हैं उसको खींचना है और वो गोल बन जाएगा कुछ इस तरह से। ऐसे खींचिए और बांधना नहीं, कुछ नहीं, उसको वैसे ही छोड़ना है। छोड़ने के बाद इसका भी हम गठान लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अच्छे से खींच के इसको छोड़ दीजिए, ये ढीला नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आगे हम गठान लगाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मुझे व्यू की बहुत कमी है, तो आपके हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से हमको गठान लगाते हुए पूरा राउंड करना है। राउंड पूरा एक फर्स्ट बार में एक ही गठान का एक राउंड करना है। फिर उसके बाद दूसरे में हमको मोती डालने हैं। मैंने दो कलर के मोती डाले हैं, अगर आपको चाहते हैं तो एक कलर का भी डाल सकते हैं, आपके पसंद के अनुसार। तो बनाना तो सिंपल है, एक बार बना के देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना भी मत भूलिए, कमेंट में बताइए, मैं आपको वीडियो स्लो करके दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। और एक चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है, बड़ी वीडियो बनती है करीब आधा घंटे की, इसलिए मैं आधा आधा करके वीडियो अपलोड करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आधा बनाकर अपलोड कर दिया, अब दूसरा डालूँगी, उसमें पूरा कंप्लीट बना हुआ आपको मिल जाएगा। इस तरह से हमको मोती को ऐड करना है। चाहे आप मटका मोती ऐड करिए, या तो ये मैंने ये स्क्वायर वाला किया है, कुछ स्क्वायर वाला किया है, कुछ गोल वाला किया है, अलग अलग लिए हैं मैंने। और आखिरी में थोड़े से लटकन लगाऊंगी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर दिखने वाला थाली पोश बन जाएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और सीखिए और मेरा सपोर्ट करिए। ऐसे हमको पूरे मोती को डालते हुए मैकरम का गठान लगाते हुए जाना है। आगे हमको ये मोती डालने के बाद एक एक गठान लगाकर फिर से हमको दो गठान लगाकर बीच में छोड़ना है, और इसमें हमको एक्स्ट्रा कॉर्ड को ऐड करना होगा, क्योंकि आगे हमको इसको फैलाना है, इसीलिए एक्स्ट्रा कॉर्ड ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे वो फैल पाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग का एक गठान लगाई है, इसके बाद मैं और एक गठान की लाइन लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं उसमें कॉर्ड ऐड करूंगी। ऐड करना मत भूलिए, नहीं तो वो फैलेगा नहीं।